गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम अ हिंदी टीचर। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आई एम टीचिंग हिंदी। मुझे आशा है कि आप सब घर पे स्वस्थ एवं ठीक होंगे। कोरोना काल के चलते हुए फिर से ऑनलाइन क्लास शुरू होने जा रही है, तो उस ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगी सवेरा पोयम, क्लास सेकेंड। सवेरा पोयम पेज नंबर 5, आप सब भी ओपन करो। सवेरा, सवेरा का मतलब क्या होता है बच्चों? सुबह अर्थात प्रातःकाल, सुबह अर्थात प्रातःकाल। तो इस पोयम में सवेरे के बारे में बताया गया है कि सवेरा जब होता है तो उसमें क्या होता है और क्या क्या दर्शाया जाता है और सुबह का वातावरण कैसा रहता है। तो जिस तरह से पिछले 4 साल जो हमने क्लास की जो भी रूल्स थे वो फॉलो किए, उसी अनुसार इस टाइम भी अपन को फॉलो करना है और अपनी पढ़ाई के अंदर ध्यान देना है। तो आज हम पढ़ेंगे अपना पोयम है जो है सवेरा। क्या सके सवेरा, सवेरा मतलब सुबह अतः प्रातःकाल। पेज नंबर 5 बच्चों, आप सब भी ओपन करो और अपनी बुक के अंदर पोयम को ध्यान से सुनो और देखो। उदय हुआ सूरज पूरब में, आसमान में छाई लाली, रही न रात रहा न अंधेरा, रही न चंदा की उजियारी। इसका मतलब क्या है बच्चों कि जब सूरज पूरब में उदय हुआ तब आसमान में क्या होता है बच्चों? लाली छा जाती है। कि जब सूरज भगवान चले जाते हैं शाम में तो आसमान पूरा लाल लाल हो जाता है, लाली माँ से गिर जाता है। जब न तो रात रहती है और ना ही अंधेरा होता है और ना ही चंदा की उजियारी मतलब रोशनी, ना कोई रोशनी दिखाई देती है। तो डाल डाल पर बैठे पक्षी च च च च छेक रहे हैं, डाल डाल पर बैठे पंछी छे 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 छेक रहे हैं, खिले फूल मुस्काई कलियां सारे उपवन महक रहे हैं। कि बच्चों सुबह के वातावरण और क्या होता है कि डाल डाल पर पक्षी बैठते हैं, डाल डाल पर चिड़ियां बैठती हैं और छे छे करते हैं। छे छे मतलब पक्षियों की आवाज को छे छे कहते हैं। खिले फूल, सुबह के वातावरण में फूल खिलते हैं और मुस्काई कलियां, कली खिलती हुई मुस्काना हंसना, सारे उपवन महक रहे हैं। सारे उपवन मतलब बाग बगीचा, सारे बाग बगीचे फूलों की खुशबुओं से महक रहे हैं। महकना मतलब सुगंध खुशबू। ठीक इसी प्रकार आगे की ओर, हवा बह रही धीमी धीमी शीतल मन और सुखदायी, जा गए हैं खेत बागवन पेड़ ले रहे हैं अंगड़ाई। हवा कैसे बहती है सुबह के वातावरण में बच्चों? धीमी धीमी शीतल मन और सुखदायी। शीतल मतलब ठंडी, मन मतलब धीरे और मन को सुख देने वाली हवा चलती है। जब सुबह का वातावरण होता है वो अपने मन को बहुत ही अच्छा लगता है, उसमें ठंडी ठंडी हवा चलती है और ठंडी हवा चलती है जो अपने मन को सुख देने वाली। जाके खेत बागवन, सुबह के मौसम में बागवन सब लहराते हैं। अंगड़ाई लेना मतलब पेड़ और बाग, जो बाग बगीचे हैं सब हिलते डुलते हैं, ठंडी हवा जो चलती है उसके कारण हिलते डुलते हुए नजर आते हैं। तो वो जो सुबह का जो वातावरण होता है वो हमने देखने को बहुत ही अच्छा लगता है। जो सुबह का नजारा होता है वो हमको देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसी में सवेरे के बारे में बताया है। आगे का जो एक पैराग्राफ है वो देखो, कण कण पर बिखरे हैं मोती, कण कण बिखरी है मणिया, कितनी मनोहर कितनी सुंदर सुखद सुहानी ये गड़िया। कण कण मतलब क्या होता है बच्चों? कण कण बिखरे हैं मोती, कण कण मतलब बहुत छोटा सा टुकड़ा जैसे मोती, मानो मोती बिखरे हुए मणिया। मणिया मतलब सुंदर रत्न, जो ऐसा लगता है हमको कि जो कीमती रत्न होते हैं मणिया, जैसे सुबह के मौसम में ऐसे दिखता है कि मोती बिखर गए हैं, कि मोती जो होते हैं कीमती रत्न वह बिखरे हुए दिखाई देते हैं। इतना अच्छा लगता है अपने मन को, कण कण पर बिखरे हैं मोती, कण कण बिखरी है मणिया। कि कण कण बिखरे मतलब सब जगह फैलना, मोती कण कण पर बिखरी है मणिया, कीमती रत्न जैसे जमीन पर फैले हुए अपन को नजर आते हैं। कितनी मनोहर कितनी सुंदर सुखद सुहानी ये गड़िया, कितनी सुंदर कितनी सुंदर। मनोहर मतलब मन को हराने वाली, कितनी सुंदर मतलब, सुंदर मतलब क्या होता है बच्चों? सुंदर मतलब कि बहुत ही अच्छा दिखने में लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? सुंदर। सुखद सुहानी ये गड़िया, मन को सुख देने वाली गड़िया आता क्षण समय, वो घड़ी नहीं जो कि अपन टाइम देखते हैं, वो नहीं, समय। इसमें समय के बारे में बताया गया है, समय घड़िया मतलब समय अर्थात क्षण।
तो इसमें क्या बताया बच्चों, आज का जो चैप्टर था अपना सवेरा, तो सवेरे में सुबह क्या हुआ था, सवेरा मतलब होता है प्रातःकालीन सुबह, तो इसमें जो सुबह के मौसम में सुबह के जो वातावरण होता है उसमें क्या क्या होता है उस घटना के बारे में सारा बताया हुआ है। सुबह जब होता है तब क्या होता है बच्चों, पक्षी छह जाते हैं, डाल पर बैठते हैं, बाग बगीचे खिलते हैं, फूल खिलाते हैं और सारा जो बाग बगीचा होता है वह खुशबू से मह उठता है। धीमी धीमी ठंडी और शीतल हवा चलती है जो अपने मन को बहुत ही अच्छी लगती है। तो और ऐसा लगता है कि जमीन पर जैसे ठंडी जमीन पर जैसे मोती बिखरे हुए हैं, इस तरह से अपन को नज़ारा अच्छा लगता है। और कितनी मनोहर कितनी सुंदर सुंदर सुहानी है गलियां, और अपने मन को इतना अच्छा लगता है वह समय, अपने मन को इतना भाता है कि जैसे मनोहर मन को एकदम बहुत ही अच्छा फील होता है और अपने अच्छे मन को अच्छे से महसूस होता है कि सुबह का नज़ारा अपन को देखने को बहुत ही अच्छा लगता है और मन को सुख प्राप्त करता है। तो इसी प्रकार हमें भी सुबह जल्दी उठकर उस मौसम का आनंद उठाना चाहिए, और अपन जब जल्दी सुबह जल्दी उठते हैं तो पूरे दिन अपन को अच्छा फ्रेश फ्रेश फील होता है और अच्छा लगता है और अपना मन भी शांत रहता है और अपन अच्छा कुछ भी काम कर सकते हैं। तो प्रातःकालीन जगना हमें जगना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, और जिस वातावरण जो हम देखते हैं जो महसूस करते हैं वो अपन को बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार मैंने सवेरा पोयम के बारे में आपको एक्सप्लेन करके बताया। तो इस पोयम को अपनी आप अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है और इसको फिर से पढ़ना है। इसके अंदर जो पिक्चर्स दी हुई है बच्चों, ये जो पिक्चर्स है देखो, इसके अनुसार भी बताया गया आपको कि सुबह के वातावरण में क्या क्या होता है। पक्षी उड़ रहे हैं, सूर्य भगवान निकल गए हैं, पेड़ पौधे हिल रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, दो बच्चे बात कर रहे हैं पौधों के बारे में। तो ये जो सुबह का वातावरण है अपने मन को बहुत ही भाता है। तो बच्चों आपको भी जल्दी सुबह उठना है और सुबह का आनंद, सुबह का जो वातावरण है उसको देखने का आनंद प्राप्त करना है, ठीक है। और ये जो पोएम है आप पेज नंबर 5 अपनी नोटबुक के अंदर लिखिए इसको, और फिर से इसको ध्यान से पढ़े, और कुछ भी डाउट है तो जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके माध्यम से आप मुझे पूछ के डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।